चेहरे की झाइयां, दाग धब्बे या पिगमेंटेशन, ये सब स्किन से रिलेटेड ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से फेस खराब दिखने लगता है। और आज हम इसी पिगमेंटेशन का बहुत सिंपल इलाज देखेंगे। नमस्ते, मैं हूं सचिन गोयल और आपका स्वागत करता हूं ई कुंजी चैनल पर। जो लोग धूप में ज्यादा रहते हैं उनके चेहरे की स्किन पर भूरे रंग के तिल जैसे धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं और समय के साथ गहरे होकर काले दिखने लग जाते हैं। जिनकी त्वचा बहुत सेंसिटिव होती है उनके चेहरे की स्किन पर बहुत जल्दी झाइयां और दाग धब्बे पैदा हो जाते हैं। अच्छा और हेल्दी खानपान नहीं होने से चेहरे की स्किन को पूरा पोषण नहीं मिलता है और झाइयां होने लग जाती हैं। झाइयों को हटाने के लिए लोग दवाइयों और हानिकारक केमिकल वाले महंगे महंगे कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करने लगते हैं। इससे झाइयां खत्म होने के बजाय और ज्यादा बढ़ जाती हैं। जबकि आप घर बैठे बैठे अपने घर में ही रखी चीजों से तैयार किए जा सकने वाले बहुत सस्ते और बहुत आसान से घरेलू नुस्खों की मदद से झाइयों की इस बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। ये घरेलू नुस्खे बहुत सस्ते और 100% सेफ होते हैं। आज मैं आपको झाइयों को जड़ से खत्म कर देने वाला ऐसा ही एक गजब का अचूक नुस्खा बताने जा रहा हूँ, तो चलिए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हम काम में लेंगे एक अच्छी तरह पका हुआ पपीता। जी हाँ दोस्तों, एक मीडियम साइज के पपीते को हम छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। पपीते का केवल गूदा ही हम काम में लेंगे, इसका छिलका फेंक देंगे। अब पपीते के गूदे के इन टुकड़ों को हम मिक्सी में डालकर पीस लेंगे ताकि इसका पेस्ट बन जाए। इसमें पानी या दूध नहीं डालना है, सिर्फ पपीता ही पीसना है। तो ये हमारा पपीते का पेस्ट बनकर तैयार है। अब इसको झाइयों को खत्म करने के लिए कब और कैसे इस्तेमाल करना है ये देख लेते हैं। दोस्तों, पपीते के इस पेस्ट को आपको अपने पूरे चेहरे पर एक फेस पैक की तरह से लगा लेना है। इसे लगाकर 20 मिनट के लिए छोड़ देना है और फिर हल्के गर्म पानी से फेस धो लेना है। ये नुस्खा काम में लेना चालू करते ही आपके चेहरे की झाइयां, दाग धब्बे तुरंत हल्के पड़ने शुरू हो जाएंगे। 15 दिन तक लगातार इसका इस्तेमाल करने से आपके चेहरे से झाइयों का नामो निशान मिट जाएगा और आपका चेहरा चमकने लगेगा। झाइयां फिर कभी नहीं हो, इसके लिए इन छोटी छोटी सावधानियों का भी ध्यान रखें। बाजार के केमिकल वाले हानिकारक ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि ये स्किन को खराब कर देते हैं। केवल नेचुरल प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करें। अच्छी नींद लेना भी चेहरे की स्किन को बेदाग बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए अच्छी गहरी नींद जरूर लें। आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करें और इन छोटी छोटी सावधानियों का भी ध्यान रखें। आपके चेहरे की झाइयों की समस्या हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाएगी। आप इसे फॉलो कीजिए और मेरे ऐसे ही बहुत आसान घरेलू नुस्खे देखते रहने के लिए ई कुंजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।